सब तो पहला आ रहा है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल है जेड़ा वो लैस दैन 90 का होंगे, 90 तो नीचे जोड़े भी एंगल आक्यूट एंगल चाहते है। सब तो पहला ड्रॉ करने लिए आप ए भी एक लाइन ड्रॉ करा जोड़ा ए पॉइंट आ उपर आप इस परफेक्टली रखा ताकि जोड़ा अपना जो कोन है एंगल है वह चंकी तरह बने। तो हूँ आप 40 आ रहा है, 40 इतने है तो इस तो अगे 5 इतने आप एक पॉइंट ड्रॉ करा तो उसनों ए पॉइंट न मिला देंगे। ये अपना 45 डिग्री का एंगल है जोड़ा ड्रॉ हो गया। हाँ जी, उस तो बाद है राइट एंगल। राइट एंगल इक्वल टू 90 एंगल, मतलब राइट एंगल 90 डिग्री के कोण में जोड़ा राइट एंगल बोलते हैं। ए बी लाइन ड्रॉ करा, ए पॉइंट है जोड़ा उत्थे आप इसका मिड पॉइंट है जोड़ा डी का वो रखा। तो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण जोड़ा उत्थे आप पॉइंट लगावे तो उसू ए पॉइंट नाल मैच करा। ये अपना 90 डिग्री का जोड़ा एंगल ड्रॉ हो गया। नैक्सट थर्ड कोण आ रहा जी अपना अबट्यूस एंगल। ये लैस दैन 180 हुंदा गा एंड ग्रेटर दैन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तो अबव हुंदा ते लैस दैन 80 डिग्री। 80 डिग्री अपना कित्थे आंदा गा, इत्थे आंदा जी 80 डिग्री। तो इस तो लैस दैन उपर उपर हुंदा ते जिहड़ा 90 डिग्री है उस तो नीचे नीचे। इधर वाले सारे एंगल है जिहड़े वह अबट्यूज एंगल बन गए। ये आप 130 का ड्रॉ करना गा, ये पहला पॉइंटर तो सैट किया 130 इत्थे आंदा गा तो इसनों इतने आप पॉइंट लगावे, इस पॉइंट नूं आपां ए नाल मैच करा। ये अपना 130 का जिहड़ा एंगल ड्रॉ हो गया। उस तो बाद फोर्थ आंदा स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए बी जिहड़ी आपां लाइन खिंची उत्थे जदों आपां पॉइंट ते रखांगे इहदा मिड पॉइंट डी दा तां उत्थे आपां देखांगे कि 180 कित्थे आ, 180 सीधा इत्थे आंदा तां इसनों किहड़ा एंगल बोलदे आ, स्ट्रेट एंगल। इनू आप ये नाल मैच कर दिए चाहे सीधा, मतलब एक लाइन के उपर जोड़े कोण बन रहा गा एंगल बन रहा गा उसनों कहें 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधी लाइन पर जोड़ा बनया गा वह है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। उस तो बाद आता जी रिफलैक्स एंगल। रिफलैक्स एंगल ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लैस दैन 360, टोटल सर्कल जोड़ा हों 360 का होंगे गा। तो वन लाइन के उपर जोड़ा ड्रॉ हों 180 का होंगे गा, 180 तो उपर होना चाहिए जोड़ा कोण आ स्ट्रेट लाइन तो जोड़े इधर नीचे वाली साइड बन गए कोण वो रिफलैक्स एंगल आ, पर 360 तो जोड़े घट हो 240 का गा इतने तक 180 आ गया। तो आप नीचे मिड पॉइंट रख के देखा 80 तो नी जे नीचे वाले कोण मतलब ड्रॉ हो रहे है 10 20 30, तो 180 दे विच हाँ जी इतने स्ट्रेट लाइन तक 180 आ गया। तो 60 डिग्री आप उपर देखा आ रहा 60 डिग्री सिक्स इधर उपरली पासे 120 है, इतने आप ड्रॉ करा लाइन तो ये बन जाएगा अपना 240 का एंगल। ये जोड़ा पूरा एंगल हो गया ये अपना 240 डिग्री का ड्रॉ हो गया। नैक्सट आ रहा गा कंप्लीट एंगल या फुल रोटेशन। फुल रोटेशन मतलब ए पॉइंट तो लैके ए वाला जोड़ा मिड पॉइंट है ये तो लैके इसे तक ही कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन एंगल 360 का। यह कि हो गया 360 का फुल रोटेशन या कंप्लीट एंगल। थैंक यू।